नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे गुजरात चुनाव पर। जी हाँ, गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव बस करीब है, यानी 2023 में पहले उनका चुनाव हो जाएगा और वहाँ पर तैयारी भी शुरू हो गई है। गुजरात में जो है आप कैंडिडेट यानी अरविंद केजरीवाल जो है पूरी ताकत के साथ में गुजरात में खड़े हो गए हैं और बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत कम होती जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ती जी से। थत्ती जी, क्या मानते हैं कि आप जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब को अपने हाथ खाते में ले लिया है, क्या कांग्रेस के बाद ये बीजेपी को सेटबैक देगा, जबकि गुजरात जो है अमित शाह और मोदी जी का होम ग्राउंड है? होम ग्राउंड जी। आपने 4 दिन पहले मुझे बोला था कि गुजरात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जी। तो उस समय मैंने बोला कि मैं गुजरात के बारे में जो भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे आया है उसका ज़रा स्टडी करता हूँ, क्योंकि गुजरात से डायरेक्ट मेरा संबंध रिलेशन नहीं है। तो पिछले 4 दिन से मैं आपका ये जो विषय था उसके बारे में सब जगह अभ्यास कर रहा था। तो अभ्यास के बाद मेरे 4 या 5 निष्कर्ष है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि गुजरात में आज एक सी वोटर्स करके कंपनी है जी, वो सर्वेक्षण सर्वेक्षण है, तो उनका एक सर्वे आया है। उस सर्वे में उन्होंने दिया है कि बीजेपी को 140 से 150 तक सीटें मिल सकती, मतलब बड़ी सर, कहाँ से कहाँ, 99 से 100 थे समझो, वहाँ से 50 सीटें, मतलब कितनी बड़ी 50%, ये 50% उसका बढ़ जाएगा। तो सी वोटर्स का अगर उसके से जो रिलायबल सर्वे करने वाले लोग हैं उनमें से एक है सी वोटर, तो उन्होंने अभी आज ये दे दिया है, ये बड़ा रिलीफ रहेगा गुजरात जी। अभी क्या होता है कि सीबीआई या आईबी का हवाले से कोई भी कुछ बोल देता है, तो जैसे ही ये सी वोटर्स का आ गया तो उन्होंने बाकायदा हमने सर्वे कैसे किया, क्या किया, वो सब देते हैं, वो कितने लोगों को मिले, कितने लोगों ने ये किया, कितना परसेंटेज हुआ। तो सर, सी वोटर में एक बात भी नोंद करने लायक है, उन्होंने बोला कि इसका परसेंटेज जो है बीजेपी का वो 6 या 7% से कमी होगा, मगर सीटें बढ़ेगी, वोटर परसेंट 6 या 7% से कम होगा मगर सीटें बढ़ेगी, ऐसा भी सी वोटर ने बताया है। मगर परसेंटेज कम होने के बावजूद सीटें बढ़ेगी, उसका कारण उन्होंने ये दिया है कि कांग्रेस जो पिछली बार एकदम दमदार पार्टी थी, टक्कर में थी, वो अभी ऑलमोस्ट ये हो गई है, मतलब डिसमेंटल ही हो गई है पार्टी, और उनके बड़े नेता जो है वो भी बीजेपी में आ गए, पटेल समाज के जी, हार्दिक पटेल वगैरह, उनके नाम भी दिए उन्होंने। तो कैसे होता है ना कि अपना जो कैडर रहता है उसका मॉरल बढ़ाने के लिए नेता झूठ बोलते हैं, और केजरीवाल तो झूठ बोलने में नंबर 2 है। अभी मेरे को प्लीज़ ये मत पूछे कि नंबर कौन है एक, क्योंकि वो दुनिया को मालूम है, उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो 50% झूठ 50% सच बोलते हैं, मगर केजरीवाल है वो 75% झूठ बोलता है और 25% सच बोलता है। तो उसने जैसे ही सी वोटर का ये आ गया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ऐसा पता चला है कि आईबी ने अभी आईबी का रिपोर्ट जाएगा तो किसके पास जाएगा, अमित शाह, मोदी और गुजरात का मुख्यमंत्री के पास है, इनको कौन देगा, और अगर आया होगा तो सीक्रेट ही रखेंगे। मगर इसने बोला कि मेरे को ऐसा खबर मिला है कि गुजरात में बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि आईबी का रिपोर्ट उनको आया है कि आपको क्लियर मेजोरिटी मिलेगी, इसलिए वो घबरा गए हैं। अभी कैसा है ना कि मैंने जो पढ़ा उसके आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मीडिया ने ये बताया है कि आपने और केजरीवाल ने वही तंत्र अपनाया है जो बीजेपी करती है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और दूसरी बात इतना झूठ बोलो कि उसमें से कुछ तो सच लगे। तो अभी आप वाले जो केजरीवाल है वो भी वही बीजेपी का फॉर्मूला से जीतना है उनको गुजरात में, मगर जीतेंगे नहीं। अभी उनका लक्ष्य क्या है वो भी मीडिया में जो मैंने पढ़ा उसका सारांश मैं आपको दे रहा हूँ। मीडिया ने ऐसा लिखा है कि उनका जो मकसद है वो बीजेपी को हराना है ही नहीं, वो जानते हैं और वो चाहते भी नहीं है कि चाहते नहीं हैं और जानते भी है कि हम बीजेपी को नहीं हरा सकेंगे, सरकार बीजेपी की आएंगी, मगर उनको कांग्रेस की जगह लेनी है। हाँ, जिस तरह से पंजाब में किया, दिल्ली में किया, बहुत जगह, अभी वो कोशिश में इसके नहीं है कि बीजेपी को हराएंगे, उनको मायावती फॉर्मूला से जा रहे हैं, कांग्रेस का विकल्प उनको अपना, वो उनको क्या करना है कि कांग्रेस का विकल्प हम हैं, तो वो नंबर 1 की अपोजिशन पार्टी बनने की कोशिश में है। सभी मीडिया जो भी मैंने पढ़ा या देखा, वॉच के वीडियोस, सोशल मीडिया चेक किया, तो उसमें दिखता है कि वो नंबर
दो बनना चाहते हैं और सत्ता में नहीं आएंगे वो मालूम है, मगर कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। सो बीजेपी के लिए ये भी अच्छा प्लस पॉइंट है, करो ख़त्म कांग्रेस को। हम वो भी वो चाहते हैं, आपको कैसे ख़त्म करना है वो आसान है उनको। आप क्या है, आप में केजरीवाल छोड़ के कोई है ही नहीं जी, यहाँ पे गांधी वर्ग परिवार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कांग्रेस का कितना भी कुछ बोलो आप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, तो आपको ख़त्म करना उनके लिए नहीं। तो अगर ऐसा अपोजिशन बढ़ता है उसकी वजह से आगे चल के 2024 के चुनाव में भी उनको फायदा होगा जी, क्योंकि आप जो लड़ेगा सब जगह कांग्रेस का जो वोट है वो तोड़ेगा जी, उनको भी इतना मिलेगा नहीं कि वो जीतेंगे और इतना इनको मिलने नहीं देंगे कि वो भी जीतेंगे जी। तो मायावती का एक पुराना फॉर्मूला है कि पहले हम लड़ेंगे हारने के लिए जी, दूसरी बार हम लड़ेंगे हराने के लिए जी, और तीसरी बार हम लड़ेंगे जीतने के लिए। तो वो केजरीवाल भी वही फॉर्मूले से चल रहा है। तो गुजरात में अभी तक जो मैंने अभ्यास किया उसके आधार में मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी का ये जो उन्होंने सी वोटर्स ने दिलाया है कि 140-145-50 तक वो जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि इसको बीजेपी को 125 तक ही मिले तो खुश होंगे वो, और आप जो हैं वो कांग्रेस को रिप्लेस करेगी, कांग्रेस के करीबन मेरे ख्याल से 70 या 80 तक गए थे वो, तो वो हो सकता है कि 60 तक 70 तक 50-60 आप जाए, 50 के ऊपर ये जाएगी आप जाएगी और 50 के नीचे कांग्रेस रहेगी, तो कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी जी, ये बीजेपी के हित में है। ये मेरा जो अभ्यास मैंने किया उससे मतलब ट्रेगुलर लड़ाई तो नहीं है लेकिन आप नहीं, और कांग्रेस का आप और कांग्रेस की नहीं, आप और बीजेपी की ही लड़ाई होगी अभी, और लोग भूल जाएंगे कि कांग्रेस खड़ी है। ऐसा होता है जब माहौल बनाएगा केजरीवाल इतना बड़ा तो लोग सोचेंगे कि कांग्रेस को वोट देने से क्या है, वो तो हारने वाले हैं जी, वो देंगे नहीं, तो कांग्रेस और भी जो बीजेपी से नाराज होंगे तो आपको वो जी बराबर। धन्यवाद तथ्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे गुजरात चुनाव के ऊपर कि वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, किसका सी वोटर्स में किसका सर्वे ज़्यादा आया है और उसका रिजल्ट आगे चुनाव में क्या होगा, तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और आगे भी इस गुजरात चुनाव के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, और आपसे भी अनुरोध है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो गुजरात के बारे में तो हमसे शेयर करें। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।